मेरा मन किया कि आज अपने घर में नहीं सामने वाले के घर में घुस जाएंगे आज, जहाँ आप बोलेंगे जहाँ तुम्हारा मन। हम इस गाड़ी से आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, बताइए। हम भी कह रहे हैं कहीं भी ले चलो। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में अभी पूरा छिला हुआ दिखेगा। ये सिर्फ इतनी आसान रेसिपी है, एक मिनट में एक किलो लहसुन छिले, देखिए तरीका कैसे। बकवास। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बॉन्ड बाई अंजलि गुप्ता पर। और अभी आपने सुना हैक की बात हो रही थी कि एक मिनट में आप छीलेंगे एक किलो लहसुन, तो हम भी ट्राई करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये वीडियो से देख के नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे इस तरह के। ये ना मेरे घर में मेरी बहन मेरी नन छीलती हैं इस तरह से। तो देखिए बहुत सारा लहसुन है हमने अलग किया है और पानी गर्म करेंगे। पानी आपको इतना गर्म करना है कि आपका हाथ ना आराम से जा सके, यानी कि गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म कर सकते हैं आप लोग, आपको हाथ डालना होगा उसमें। देखिए पानी गर्म किया हमने कढ़ाई में और बहुत सारा लहसुन आज हमें चाहिए था मेरे घर में। और करीब ये 11 तारीख का वीडियो है मेरा, तो देखिए बहुत सारा लहसुन हमने अलग किया हुआ है और अलग करने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। डाल दिया है और आप ना 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। इससे ये होगा ना छिलके फूल जाएंगे और फिर आप रगड़ेंगे ना हाथों से तो आधे छिलके तो अपने से ही अलग हो जाएंगे। देखिए हमने अच्छे से फुला दिया है, आप देख रहे हैं मेरा हाथ भी अंदर जा रहा है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म मत करिएगा, इससे क्या होगा वरना लहसुन आपका बॉयल हो जाएगा उसी में। तो देखिए 15 मिनट हो गए, आराम से इनको मसल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा आराम से इनके छिलके अलग हो रहे हैं। तो इससे आपको ये आसानी होगी, ये आप जो तरकीब है या नुस्खा जो भी कहिए है कहिए ट्राई कर सकते हैं अपने अपने घरों में। और देखिए इस तरह आप निकाल रहे हैं, तो बस कस के दबाइए, प्रेशर लगाइए, छिलका अपने आपके हाथ में आएगा और लहसुन आपके हाथ में आएगा, सॉरी छिलका निकल जाएगा, तो ऐसे होगा। तो ये हैक समझिए, काफ़ी अच्छी तरकीब है ये, थोड़ा सा जल्दी होगा। देखिए एक मिनट में तो नहीं होगा कुछ भी आपका, एक मिनट में तो आप पानी गर्म कर पाएंगे मुश्किल से। और देखिए जो पीस आपके रह जाए, यानी कि कोई कोई ना छिलका नहीं फूलेगा, उनको आप हाथ से आराम से छील सकते हैं। चाकू वगैरह से देखिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, काम करती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपको ज़्यादा सा लहसुन चाहिए घर में आप ये वाली चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और आज मेरे घर में काफ़ी सारी चीज़ें बनने वाली हैं, चटनी बनेगी 2-3 तरह की और सब्जियाँ भी बनेंगी। जाता है ना तो आराम से अलग भी हो जाता है, देखिए कैसे अलग हो रहा है। बस इसमें सुविधा होगी आपको, तो आप लोग बताइएगा इस हैक में हम पास हुए कि फेल हुए। वैसे हमें लगता है बीच का रहा है ना पास ना फेल। तो देखिए लहसुन के पीस बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं और कढ़ाई पनीर मेरी बन रही है, बीच में मेरा खाना चढ़ा हुआ है, बीच में हम लोग खाना भी देख रहे थे, तो इसमें भी लहसुन यूज हुआ है। और चटनी शेयर करेंगे आपके साथ, वो चटनी आप लोग बनाइएगा। बहुत सारा लहसुन छिलाओ, इसको छील के आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं, डिब्बे वगैरह में बंद करके रख दीजिए। बस ये ज़्यादा गर्म पानी में मत डालिएगा, ये याद रखिएगा, वरना ना ये पक जाएगा ना तो ख़राब होने के चांसेस इसके ज़्यादा रहेंगे। वैसे आप ना इस तरह छील के रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका, यानी कि गर्म पानी से छीलेंगे तो अच्छा यूज है। इस तरह आप छील के देखिए, लहसुन लेंगे काफ़ी सारा सा लहसुन लेंगे, जो खाते हो लहसुन वो सब चटनी वाली ट्राई करिएगा, बेसन की रोटी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है ये। देखिए लहसुन है यहाँ पे, हल्का नमक ऐड करेंगे क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में बनेगी ना इसीलिए। और नमक ऐड करने के बाद ये लाल मिर्च है, कश्मीरी वाली है ये, और यहाँ पर आप जो साबुत लाल मिर्च होती है वो वाली ऐड करिए। धनिया पाउडर है, खटाई पाउडर भी ऐड करिए अगर आप खट्टा खाते हैं तो। हम लोग नींबू डालेंगे, देखिए यहाँ पर नींबू डाल रहे हैं, खटाई पाउडर है नहीं मेरे यहाँ इसीलिए। और बस इनको आपको कूट लेना है, यानी कि खलदस्ता में आप कूटते रहिए, आराम से पिस जाएगी, थोड़ी सी बनेगी बट ना इसका फ्लेवर थोड़ा सा बोलता हुआ होता है ना, जिस तरह की देखिए चीज़ें इसमें मसाले पड़ रहे हैं और लहसुन का फ्लेवर भी काफ़ी बोलता हुआ होता है, जैसे कि आपको पता है खुशबू भी और फ्लेवर भी। देखिए इस तरह कूटी हुई है, प्रीति ने बनाई है बाबा की पसंद की, और बेसन की रोटी बनेगी मेरे घर में, पापा इससे खाने वाले। ये चटनी ना बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ में, बेसन की रोटी के साथ में। थोड़ी सी बनेगी मगर ना यूज भी बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ी सी रखिए आप लोग और दो पराठे आराम से खा लेंगे उसके साथ में, फ्लेवर इसका बहुत गजब का होता है। तो बहुत सारे लहसुन के यूज आज हमने आपको दिखाए हैं,
छीलेंगे कैसे वो भी दिखाया है। और देखिए एक चटनी ये बन रही है, ये तो हमने आपके साथ शेयर की है। टमाटर, इसमें धनिया है, हरी मिर्च है, जीरा है, खटाई है, नमक है। बहुत फटाफट से मेरा वॉइस ओवर हो रहा है, हमको आजकल ना टाइम नहीं मिलता, आजकल नहीं अब मेरे पता नहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे डे ना बहुत बिजी जा रहे हैं, यानी कि दिन मेरे बहुत बिजी जा रहे हैं। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा टाइम हर बार कम पड़ जाता है रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो एडिट के लिए, और लेट भी मेरे वीडियो जा रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। देखिए सब सामान पड़े हुए हैं, नमक डालिए, इसको पीस लीजिए, और सिल बटना पे पीसेंगे तो और भी मजा आएगा। और ये देखिए बिरयानी वाले चावल बनने जा रहे हैं। मेरे यहाँ वेज बिरयानी हम लोग बहुत बनाते हैं, बहुत खाते हैं बना के, तो उसमें भी लहसुन का यूज होगा। तो एक्चुअली में लहसुन का बहुत सारा यूज़ था, इसलिए हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर करी, लहसुन छीलने वाली। आपको पसंद आए तो आप लोग भी ट्राई करिए। हम सब उल्लू नीचे आ चुके हैं रात को, रात में लोग क्या करते तुम्हारे लगते हैं? रात हो रही है, जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव पे एक स्कूटी मैं चलाऊंगी और मौसा जी, मौसी और मामी बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे। नामी को हम चलाएं, हम चलाएं, चलाओ यार, चलाती तो थी पहले, चलाते। एक बार क्या हुआ, एक बार हम इतनी ज्यादा तेज चलाए ना कि मेरे हाथ में ना हल्की सी प्रॉब्लम हो गई, तब से ऐसा कॉन्फिडेंस मेरा लो हुआ ना कि हम अभी तक नहीं चलाते हैं। और रात को 11 बज रहा है, हम लोगों ने आज साथ में दुकान बंद करवाई है अपनी। और इस बार हमें ऐसा लग रहा है गर्मी में, इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि जल्दी जो है शाम होने लगी है ना, इस बार जल्दी शाम नहीं हो रही, धीरे धीरे मौसम बदल रहा है ना, तो प्रीति अपने हाथों को कह रही मौसी गाड़ी चलाना हम भूल जाएंगे, बताइए ऐसा होता है, हाथों को ग्रीस करेंगी जैसे हम ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस करते हैं, सीख गए थे, सीख गए थे, बहुत अच्छी चलाने लगे थे। चलें, चलो आज लॉन्ग ड्राइव पे ले चलते हैं, चलोगे? तुम्हारा साथ तो चलने के तैयार है, कहीं भी ले चलो, कहीं भी चलो, कहीं भी ले चलो, पटक न दे कहीं, पटक चुकी ना, तुम्हें भी ले चलेंगे, तुम्हें भी चलो, चले चलो, चलो चार्जर दो। ये देखिए बैठे ऐसे से बाइक चला रहे हैं, धूम धूम मचा रहे हैं। चलिए हमारी यात्रा शुरू, ये है हमारा वाहन, हम बैठेंगे पीछे में, ये है हमारे वाहक, चलेंगी। आज तुम लग रही हो पड़ाकू, विजयी भवा, तुम्हारा कंप्लीट हो गया, विजयी भवा। सुन मेरी बहरी हो गई थोड़ा, तुम देखो ये लाल खंभा है, बस वहां तक जाओगे, उससे आगे नहीं। चलाएंगे और इसको कहते हैं दो पहिया वाहन चालक, दो पहिया वाहन चालक। देखो हम कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, ये देखिए कितना, वो देखिए कितना दिख रहा है। चला के आए थे चौक से, की थी चौक से चलाते हुए आए, गाड़ी आपने वीडियो भी भेजा है, और मतलब घर पे आके आपको यहाँ पे जाना था? नहीं, गाड़ी चला के आए, नहीं कह रहे हम अकेले भी चलाएंगे, चला के आए फिर क्या, फिर मम्मी गाड़ी मोगी है तो घूमते घूमते हम अंदर। मेरा मन किया कि आज अपने घर में नहीं, सामने वाले के घर में घुस जाएंगे हम। भाई मम्मी मम्मी हाथ उठ, स्टार्ट तो करो, चलो स्टार्ट। अच्छा आज दिल खोल के बोलते तो कहाँ चला चलते हैं, जहाँ भी ले चलो, नहीं आपकी फरमाइश है, नहीं जहाँ भी ले, आप बोलेंगे, जहाँ हम इस गाड़ी से आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, बताइए। तो हम भी कह रहे हैं कहीं भी ले चलो, और हम क्या कह रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 पकड़ ले ये आर जाएंगे, एटीट्यूड में बोला था आपने, इसलिए उतर गई नहीं, तो वो अच्छे से घुमाती है अभी आपको, नहीं जब हम अपनी गाड़ी खरीदेंगे ना, तो हम स्टार्ट करेंगे, चलो हम पीछे बैठे, जय माता की, जय माता की, जय गणेश जी, जय गणेश। इसको कहते हैं रियल ब्लॉगिंग, देखिए रोड पे आके, अगर रोड का शूट करते हैं तो ना दिन देखते हैं ना रात, और कभी मेरी सच में, ये तो सीरियसली सही बात है, कभी मेरी हिम्मत, आइए बुआ जी, हम लोगों का पहले का ही प्लान बना था, सोचा नहीं, कभी कभी ना हफ्ते में एक आध दिन हम लोग निकलते हैं,
हम लोग निकले थे कब, भगवान के जन्मदिन वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन निकले थे। हाँ, जब से आज निकले हैं कुछ तो होता नहीं है। और जब सन्नाटा होता, देखिए ऐसे जल्दी जल्दी बाहर जा नहीं सकते, जब एकदम सन्नाटा होता तो अपनी दुकान के आगे हम लोग आ जाते, दुकान है, हवा चल रही है, और देखिए भीड़ भी नहीं है। और नसीर देते दुकान को लंबा कर देते डेली। कुछ भी दीदी ने केक कट कर दिया है, अब हम खा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं केक, ये काम मौसा जी और नानी कर गए हैं। नहीं, हमने दीदी ने केक काट दिया।